हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप सभी के साथ बहुत दिनों के बाद मिल रही हूँ, क्योंकि बस मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं थी और मेरे घर में जैसे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। समझ लीजिए कि मेरी तबीयत मैंने खुद ही ख़राब कर ली है टेंशन ले ले के, बिकॉज मेरी फैमिली में मतलब कि किसी की तबीयत ठीक नहीं है तो मैंने टेंशन ले लिया था। तो वही फिर ब्लॉग व्लॉग नहीं बनाने का मन करता है, या फिर कुछ हम लोग बस खा पी ले वही काफ़ी है। तो ऐसा मेरा सिचुएशन चल रहा था 4-5 दिनों से, तो अब ठीक हो गया है। ये बीमारी ना मतलब कि बहुत बेकार है, जिन लोगों ने ही मजाक में लिया है ना, प्लीज़ बिल्कुल भी मजाक में मत लीजिए। बहुत बहुत गंदी महामारी वाली बीमारी है ये। यहाँ पर देखिए सब्जी आए है बेचने के लिए, तो हमने भिंडी और ये अरबी का साग है जो कि हम यहीं से ले रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जहाँ अभी मार्केट लग रहा है इतना ज़्यादा वहाँ भीड़ रहता है कि क्या ही मैं बताऊँ। इसीलिए मैं सोचती हूँ कि बहुत कम मार्केट जाए और भीड़ भड़के वाले इलाके से हम लोग बचे तो रहें। अभी देखिए मैं जा रही थी खाना बनाने के लिए, लेकिन बहुत मतलब कि बस घर में घुसे घुसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। बस मेरा दो ही जगह है, घर में रहती हूँ, मन थोड़ा सा ख़राब हो जाता है तो यहाँ पर मैं आके बैठ जाती हूँ। और ये देखिए बहुत अच्छी हवा चल रही है, अभी गर्मी है, बहुत तेज़ मतलब कि धूप है। देखिए कितना तेज़ धूप है, बहुत तेज़ धूप है। लेकिन ये पेड़ वगैरह है ना मेरे पीछे, वो सहजन के पेड़, तो उससे ना काफ़ी अच्छी हवा भी आती है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जा रही हूँ दोपहर का खाना बनाने के लिए। बस यही थोड़ा सा यहाँ पर मैं बैठ गई थी, मेरे दोनों बच्चे नहा धोकर अभी अच्छे से रेडी हो रहे हैं वो, और घर में ताला लगा के रखते हैं जब बच्चे बाहर जिद करते हैं खेलने के लिए शाम को कि बाहर खेलना है, तो मैं ताला लॉक कर देती हूँ ये जो गेट है ना यहाँ पर। तो अभी देखिए मैंने भिंडी को कट कर लिया है और अब यहाँ पर मैं भिंडी की सूखी सब्जी बना रही हूँ। यहाँ पर प्याज मैंने थोड़ा सा ही बस भुना है, प्याज और भिंडी की सब्जी, दो प्याज लिया था मैंने छोटे छोटे साइज का, और मैंने जितनी भिंडी लिया है उससे थोड़ा सा ही मैं बना रही हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, पूरा नहीं बनाऊँगी। तो ऐसे करके, और क्योंकि इसलिए नहीं बना रही हूँ पूरी ज़्यादा भिंडी क्योंकि अभी मैं साग ही बनाऊँगी। तो अभी देखिए इसे मैंने मसाले डाल दिए हैं सूखे पाउडर, और उसके बाद बस इसको मैं भून लूँगी और बहुत जल्दी से ये प्याज भिंडी की सब्जी बन के तैयार हो जाती है। तो ये देखिए मैंने एक बार इसे ढक दिया था और अब देखिए ये सब्जी बन गई। थोड़ी सी ही मैं बना रही हूँ, कढ़ाई देखिए कितनी बड़ी लग रही है और सब्ज़ी बन के थोड़ी सी हो गई है, क्योंकि ये साग भी था ना इस वजह से। यहाँ पर देखिए ये अरबी का साग है और ये थोड़े से आपको लग रहे होंगे ना मुरझा गए, लेकिन मैंने क्या किया ना इसे, जैसे वहाँ पे मैंने लिया था उसके बाद मैंने सोचा कि मैं इसे धूप में ही रहने देती हूँ और इस फिर धोकर फिर कट कर दूँगी, लेकिन ना यहाँ पर धूप की वजह से ये साग मैंने बिल्कुल 10 मिनट ही बस रहने दिया था। इतनी तेज़ धूप है, इतनी तेज़ धूप है कि देखिए पत्ते कैसे हो गए। यहाँ पर देखिए इस पत्ते से जो डंठल है वो निकाल कर, और डंठल भी इसमें दे दिया जाता है अरबी के पत्ते का डंठल, ये थोड़े से ना छिलके इसके छिलने पड़ते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, क्योंकि अरबी से ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है, चाहे अरबी का साग हो चाहे अरबी हो, तो उससे ना मतलब कि मेरे हाथों में थोड़ा सा खुजली होती है और फिर ये पक जाता है, बनने के बाद मेरे मुंह में गले में नहीं मतलब कि खुजली होती है, जैसे कि खराश जो होता है वैसा नहीं होता है, लेकिन बस काटने के वक्त ही होता है। मैंने बहुत बार ट्राई किया है, और अभी जैसे कि हस्बैंड भी घर में ही रहते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ 2 बजे तक सारे काम रहते हैं, सब्जी मंडी भी खुली रहती है, ऑटो भी चला सकते हैं, लेकिन ना मैं इनको जाने नहीं दे रही हूँ। और अभी देखिए यहाँ पर साग कट हो गया है और अब मैं साग बनाऊँगी। तो आप सोचोगे कि मैं क्यों नहीं जाने दे रही हूँ, क्योंकि देखिए मतलब कि देखिए जान रहेगा ना तो ज़िंदगी भर ऑटो चला के हम लोग काम भी कर लेंगे। बहुत कम ऑटो चल रहे हैं, बहुत कम मतलब कि बहुत कम, 100 में से 10% ही ऑटो चल रहे हैं। तो ये तो बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ मास्क वगैरह पूरे सेफ्टी के साथ, लेकिन मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा माहौल ठीक होने दीजिए, थोड़ा सा तब जाइएगा, वैसे मैं नहीं जाने देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये साग में लहसुन, हरी मिर्च नहीं था मेरे पास तो लाल मिर्च का ही मैंने तड़का लगा कर, प्याज भून के और टमाटर और इस साग को मैंने एक साथ ही मैंने डाला है,
इसलिए मैंने साथ में डाला, क्योंकि टमाटर का जो रस है खट्टा, उसमें अगर जाएगा तो हमारे गले में खराश भी नहीं होगा। क्योंकि ये सभी लोगों को ना ये अरबी से मतलब कि खुजली भी नहीं होती हाथों में किसी किसी के, और गले में खराश भी नहीं होता है, और किसी किसी के बहुत ज़्यादा होता है जैसे कि मेरे होते हैं। तो इसीलिए मैंने टमाटर इसमें डाला। इसमें हम ना नींबू का रस भी डालेंगे, तो बिल्कुल भी जिसको जिनको थोड़ा सा भी खराश अगर लगेगा वो भी नहीं लगेगा। ये देखिए ये साग बन के तैयार हो गया है। इससे मसाले नहीं जाते हैं लेकिन इसका अलग ही स्वाद लगता है। और ये जो है ना, ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है ना, इतना ज़्यादा इसका स्वादिष्ट ये बनता है, और इतना जल्दी ये बन जाता है कि पूछिए मत। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है, देखने में भले ही अच्छा दिखे या ना दिखे। और देखिए थोड़ा सा ही बन गया, इतना साग था थोड़ा सा बना। तो ये अभी हम लोग का ये लंच बन के तैयार हो गया है। सुबह हम लोग रोटी खाते हैं, इसीलिए दोपहर को हम लोग अपने खाने में रोटी जल्दी नहीं शामिल करते हैं। अगर सुबह नाश्ता बन गया कुछ, जैसे कि सूजी वगैरह, या फिर कुछ मैंने बना लिया पूरी वगैरह, तब मैं रोटी बनाती हूँ लंच के टाइम, वरना लंच के टाइम फिर चावल ही रहता है, क्योंकि रोटी सुबह ही हमने खाया होता है। अभी देखिए यहाँ पर मैं और आदित्य खाने के लिए बैठे हैं, और आशी और आशी के पापा और मेरे हस्बैंड अंदर बैठे हैं, वो लोग टीवी देख देख के खाना खा रहे थे। अभी यहाँ पर देखिए टाइम हो गया है रात का, मतलब कि रात का मैं डिनर बना रही हूँ, शाम के टाइम हो रहा होगा, 6:30 बज रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले प्रेशर कुकर में आलू बॉईल होने के लिए रख दिया है, और आलू मैं बॉईल कर रही हूँ क्योंकि आज मैं कुछ अच्छा सा बनाती हूँ। अच्छा सा मतलब कि जैसे जो चावल रहते हैं कच्चे चावल, उनको हम लोग, मैं तो हम खाना बनाती हूँ पक्के चावल का जब मैं चावल बनाती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर देखिए ये कच्चे चावल को मैंने ना भिगोने के लिए रख दिया था दोपहर में। 3-4 घंटे के बाद ये अच्छे से फूल जाता है, इसको मैं पीस के और इसी का मैं रात का रोटी बनाकर फिर हम लोग का रात का ये डिनर हो जाएगा। तो ये देखिए मैं इसे अच्छे से एक बार धो लेती हूँ, धोने के बाद इसको फिर कटोरी में रख दूँगी और मिक्सी का जार में मैं इसे थोड़ा थोड़ा करके पीस लूँगी बिल्कुल पतला। और आलू मैंने बॉईल होने के लिए इसीलिए रखा है क्योंकि इसमें डालकर मैं इसका एक डोसा टाइप का जो रोटी बनता है वो मैं बनाऊँगी। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने चावल थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने डाल दिया मिक्सी के जार में, और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल डाल कर बिल्कुल पतला पीसना है। जितना पतला हम पीस सकते हैं उतना ही ये टेस्टी लगेगा, उतना ही ये सॉफ्ट बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये मैं चेक कर रही हूँ, और थोड़ा सा और मुझे अभी पीसना है एक बार और, तो थोड़ा सा और मैंने पानी डाल दिया और उसके बाद इसको अच्छे से मैं पीस लूँगी। बहुत जल्दी बहुत क्विक बन जाता है, अगर मतलब रात में कुछ खाने का मन कर रहा और टाइम ना हो, कुछ तैयारी ना हो, तो चावल में भिगोने के लिए रख देती हूँ, आलू उबलने के लिए रख देती हूँ, और फिर ये वाला हमारा खाना बन जाता है। तो अभी देखिए सिचुएशन ठीक नहीं है, तो इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लगता है। ये रोटी में बनाऊँगी ना तो देखिएगा ज़्यादा ऑयल की कोई ज़रूरत नहीं है। जितना हम पराठे में एक चम्मच डालते हैं उतना ही एक रोटी में इसमें लगेगा, तो सही है, तला भुना खाने से अच्छा है अभी। तो इसी तरह करके 2-3 बार करके मैं इस चावल को पीस के रेडी कर लेती हूँ, और उसके बाद बस इसको चावल में पीसने ही में जो टाइम लगेगा कुछ देर वही। और मैंने आलू यहाँ पे बॉईल होने के रख दिया है इस प्रेशर कुकर में। मेरे ना जो मम्मी ला दी थी प्रेशर कुकर, वो 2 सीटी मेरे आलू बॉईल हो जाते हैं इसमें, तो 2 सीटी भी हो गया। और यहाँ पर देखिए मैंने पीस के तैयार भी कर लिया, तो बहुत जल्दी बन जाता है, तैयारी भी इसमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। तो आप चाहो तो इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए मैंने चावल को पीस कर, और अब देखिए इस कटोरी में मैं डाल दूँगी। अभी ये गाढ़ा बैटर है, ये देखिए कितना गाढ़ा है ये, लेकिन अभी मैं इसे पतला करूँगी जब सारी चीज़ों को इसमें डालूँगी तब, आलू वगैरह मसाले वगैरह। तो अभी देखिए मैं यहाँ पर आलू को छील लेती हूँ, और दिन भर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि गेट में बंद करके रखती हूँ ना, क्योंकि ये बच्चे फिर ना चले जाते हैं खेलने के लिए शाम होता है, तो इस वजह से मुझे डर लगा रहता है बहुत ज़्यादा। मैं डरी हूँ अभी इस बीमारी से बहुत ज़्यादा, मतलब कि परेशान हो गई हूँ। जब हमारे ऊपर बीतती है या फिर हमारे फैमिली मेम्बर के ऊपर बीतती है तो तब हमें पता चलता है, और जो लोग भी इस बीमारी को मजाक में ले रहे हैं, और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ वो भी बता दे रही हूँ, क्योंकि मेरे आसपास के कुछ लोग ऐसे ही हैं
जो सीरियसली नहीं लेते, मास्क भी नहीं पहनते ऐसे लोग हैं, इसलिए मैं बच्चों को एकदम से पकड़ के घर में बंद करके रखती, फिर भी मेरे बच्चे मानते नहीं हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ। और आप सबको ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो महामारी आई है ना बीमारी, भगवान करे जल्दी से चली जाए। और मैं कभी कभी ये भी सोचती हूँ ना कि पिछले साल ही ठीक था, जो इतना तो फैला नहीं था, अच्छे से मतलब सब ठीक हो गया था 2-4 महीने में, लेकिन इस बार तो पता नहीं कब ख़त्म होगा। तो अभी देखिए यहाँ पर मैंने आलू को मैश करके डाल दिया है, और मेरे बातों में यहाँ पर रेसिपी जो बना रही हूँ वो भी मैं भूल गई थी। फिर उसके बाद ना हमारे घर में जितने भी सूखे मसाले हैं वो डाल देंगे। और यहाँ पर देखिए कुछ चावल की छींटे गिर गए थे, उसे मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि साफ़ रहेगा तो फिर मन से अच्छे से मैं रोटी बना बना के फिर बच्चों को देना स्टार्ट कर दूँगी। तो उसके बाद यहाँ पर ना पानी डाल के मैंने उस बैटर को थोड़ा पतला भी किया है, ये देखिए। और यहाँ पर मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और मतलब जितने भी हमारे पास सूखे मसाले होते हैं ना, थोड़े थोड़े ही डालेंगे। और उसके बाद यहाँ पर ना हम ना प्याज काट के डाल सकते हैं, मतलब कि प्याज डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं प्याज और लहसुन अभी नहीं डाल रही हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये रोटी मैंने 1 चम्मच तेल लिया था, 1 से 1.5 चम्मच। शुरू वाले रोटी में ज़्यादा थोड़ा तेल डालना पड़ता है, क्योंकि ये लोहे की कढ़ाई है ना, इस वजह से। तो अभी यहाँ पर देखिए बस इसको मैं एक बार ढक दूँगी और ये रोटी बनके तैयार हो जाएगा। फिर थोड़ा सा घुमा घुमा के करना पड़ता है, इसको थोड़ा सेकना पड़ता है घुमा कर, फिर ये बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट भी लगती है। इसमें ज़्यादा ऑयल की भी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। देखिए शुरू मैंने सेकेंड टाइम बस 1 चम्मच से थोड़ा सा कम ही तेल डाला है, और ये देखिए इसमें कितने अच्छे से ये बन जा रहा है। आलू भी बीच बीच में मैंने पूरा अच्छे से मैश नहीं किया था, मैंने आलू को फोड़ा था ताकि ये बीच बीच में मिलेगा तो और ज़्यादा मुँह में जैसे कि स्वादिष्ट लगता है। तो अभी देखिए मैंने ये 2 बना लिया है। अब मैं दोनों इसको ना मैंने टुकड़े टुकड़े में कर दिया, ताकि बच्चे सॉस के साथ ही खा लेंगे और मैं चाय बना लूँगी अपने लिए। ये ऐसे भी हम लोग खा सकते हैं, इसके लिए सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं रात में बना लेती हूँ। तो इसी तरह करके मैं ये तीसरी रोटी रख दूँगी यहाँ पर, और फिर मैं बच्चों को देने के लिए चली जाती हूँ। तो ये देखिए बच्चे यहाँ पर खा पी के, और देखिए आदित्य जो वहाँ पे चौकी में है वो अभी टीवी देख रहा है, खाना वगैरह खा लिया है, बस मैं ही बाकी रह गई हूँ। तो यहाँ पर मेरे दोनों बच्चे देखिए घर का क्या हाल कर दिए हैं। घर में रहते हैं ना बच्चे, मुझे 3-4 बार तो ऐसे कुशन वगैरह सब सोफ़ा के कवर वगैरह मुझे ये लगाने पड़ते हैं ठीक से। तो अभी वो प्लेट में भी छोड़ दिए हैं खा पी के इसी तरह। तो अभी देखिए मैं भी अपने लिए लेकर आ गई हूँ, और सोफ़ा वगैरह भी मैंने सही से ढंग से रख दिया है, तो अब मैं भी खा लेती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर मुझे बताइएगा, और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और आशी को भी मैं खिला दे रही हूँ, ये लोग ऐसे ही खेल खेल के ही खा रहे थे, मस्ती कर करके। बाय बाय।